हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं एटीपी जोन के चैनल पर। हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, इक्विलिब्रियम, राइट। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन की एक मैं शॉर्ट ट्रिक मान लो या शॉर्ट कंसेप्ट मान लो, क्वेश्चंस करने का एक और मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास सवाल है, एक चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू, और एक चार्ज है 4q, दोनों के बीच का सेपरेशन है एल, राइट। हमारा क्वेश्चन ये है, वेयर शुड बी प्लेस, वेयर शुड बी प्लेस थर्ड चार्ज विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम, सही बात है सर। अब देखो, थर्ड चार्ज इस लाइन पे कहाँ रखूं, ये तो लाइन बहुत बड़ी है, इधर भी है, कहाँ रखूं मैं थर्ड चार्ज। मान लीजिए कैपिटल क्यू यहाँ रखूं, या इनके सर बीच में रखूं, या इस रीजन में रखूं। मान लीजिए इसको हमने ए बोला है, इसको मान लीजिए हमने कुछ बी बोला है, और इसको हमने मान लीजिए कुछ सी बोला है। हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है सर। हमें पता है कि 4q पॉजिटिव है, इसको भी हमने मान लीजिए थर्ड चार्ज को पॉजिटिव ले लिया। अगर हम सी पर चेक करते हैं कि सर ये थर्ड चार्ज जो सी पर रखा हुआ है, क्या ये इक्विलिब्रियम पे होगा, आप खुद बता सकते हो। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भगाता है। यानी एक फोर्स जो कि 4q है, वो क्यू पर राइट डायरेक्शन में लगा रहा है। आपको पता है कि स्मॉल क्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो आपको पता है दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आपको लगता है क्या इस पर नेट फोर्स कभी भी जीरो हो सकता है, दो फोर्स लग रहे हैं और जो कि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनका नेट तो कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो तो सर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं ए पर। अगर ए पर देखें तो भाई ए पर हमने थर्ड चार्ज रखा कैपिटल क्यू, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल का मतलब दूर भगाएगा, सही बात है। तो 4q भी क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा। यहां पर भी आप देख रहे हो कि F1 एंड F2 का जो डायरेक्शन है वो सेम, यानी नेट फोर्स कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो तो नहीं होगा। तो यानी कि इक्विलिब्रियम यहां पर भी नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम यहां पर भी नहीं हो सकता। अब हम बीच में चेक करते हैं। हमें पता है कि सर पॉजिटिव चार्ज इस क्यू को किधर फोर्स लगा रहा होगा, किधर फोर्स लगा रहा होगा, राइट में लेफ्ट में। हमें पता है सर सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वो उनको दूर भगा रहे होते हैं, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्यू को राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट। 4q भी क्या करेगा, इस क्यू को रिपेल करेगा, बट वो लेफ्ट में लगाएगा, F2। सर यहां चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो के होने के चांसेस हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, दिस इज ब्यूटीफुल गर्ल जसनो एंड दिस इज हीरो एंड दिस इज वेलेन, ठीक है। मान लीजिए इस लड़के ने इस लड़की का हाथ कुछ पकड़ रखा है, और इस लड़के ने भी इस लड़की का कुछ हाथ पकड़ रखा है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ये लड़का जो कि राइट में है, ये 10 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है इस लड़की को, यानी कि ये लड़का इस लड़की को अपनी तरफ कुछ फोर्स से खींच रहा है। सेम ये लड़का भी इस लड़की को कुछ फोर्स से खींच रहा है, और वो जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। तो इस लड़की पे नेट फोर्स कितनी है, इस लड़की पे फोर्स, नेट फोर्स है सर जीरो। क्या लड़की मूव करेगी, नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगी। अब ये जो सिचुएशन बन रही है, नेट फोर्स क्या है, जीरो।
लड़की पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि सर लड़की इक्विलिब्रियम पर है, उस पर जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम लग रहे हैं। अगर किसी भी डायरेक्शन का अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं तो आपको पता है कि नेट उसी तरफ मूव करेगी लड़की। अगर राइट की तरफ मैं फोर्स को बढ़ाता हूं 11 न्यूटन करता हूं तो लड़की उधर मूव कर जाएगी, फिर थोड़े इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है, दो फोर्स इक्वल लगनी चाहिए बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि मैं सर कह सकता हूं जो अगर ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो F1 का जो वैल्यू होगा क्या वो F2 के बराबर होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। F1 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? F2 के। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है, F1 क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? सही बात है। लेकिन सर मुझे सेपरेशन भी तो पता होना चाहिए। सर आपने इसके और इसके बीच की डिस्टेंस रखी है L, मान लीजिए थर्ड चार्ज की पोजिशन हमने कुछ एक्स ली, हमें यही फाइंड करना, ये x है, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन l था, इसमें से x हटा दें तो ये कितना बचेगा? सर ये l माइनस x बचेगा। क्या मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ? किस पे लगाना है सर? इस पे, थर्ड चार्ज पर। इसने इसको इधर भगाया, इसने इसको इधर भगाया लेफ्ट में। तो अगर f1 हमें पता है सर, f1 किसने लगाया था? f1 स्मॉल q ने कैपिटल q पे लगाया, तो मुझे पता है k Q Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है Q और Q के बीच की? X, X स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q, 4Q ने Q पर किधर फोर्स लगाया? लेफ्ट में। Q इंटू स्मॉल Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? L माइनस X का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर मुझे बताया कि K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 1 अपॉन, 1 अपॉन x स्क्वायर, और इधर से मेरे पास क्या बचेगा? 4 अपॉन l माइनस x का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से रूट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन l माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो l माइनस x इज इक्वल टू 2x, तो 2x एंड x सम होगा, देन 3x इज इक्वल टू l, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? l by 3। अगर मैं थर्ड चार्ज को l by 3 डिस्टेंस पे रखता हूँ तो ये जो थर्ड चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है? इस चार्ज से थर्ड चार्ज की क्या पोजीशन होनी चाहिए? l by 3। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4q से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो यहाँ से यहाँ पर क्या पुट कर दोगे? x का वैल्यू l by 3, यानी बड़े चार्ज से 2l by 3 पे होने चाहिए, राइट? तो इसका एक तरीका है, शॉर्ट तरीका है, वो क्या है? देखिए, आपको जब भी थर्ड चार्ज की पोजीशन निकालनी है, अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो तरीका ये है, अंडर रूट q1 इंटू r अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2, ठीक है? जिसको कूलम्स लॉ भी नहीं आता होगा वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखिए Q1, Q1 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चार्ज, ठीक है, और Q2 यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लार्ज चार्ज, लार्जर चार्ज, राइट? अब क्या है, पुट कर दो, आर क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो हमारे पास Q1 हमने क्या बोला है? छोटा चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, राइट? 1 का रूट क्या होता है? 1। आर क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? एल अपॉन अंडर रूट Q1, 1 का रूट क्या है? 1। ये 4Q का मैग्नीट्यूड 4 है, 4 का रूट क्या है? 2। देखो एक लाइन में आंसर आ गया, इतना सारा करने की जरूरत नहीं, L अपॉन 3। देखो हमने कितना सारा किया, समझ पा रहे हो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।